क्या कर रहे हो? मेरे पापा जाओ यहाँ से। पापा, पापा। राजा, जाओ। भाई, इसका बेटा है। बीवी बच्चे निकल गए। मेरी आस्तीन में पलकर तो मुझे ही काटने की सोच रहा था। पापा, हाँ? छोड़ दो, छोड़ दो। इस सबूत को संभाल कर रखना। तुझे तेरे बाप ने जो दिया है वो कहाँ है? ए, उधर है वो। जाओ पकड़ो उसको, जल्दी जाओ। उस तरफ भागा वो। ए, पकड़ लो उसे। बुड्ढा चार बच्चों को लेकर आया, देखा क्या? बोल रहे तेरी तो। पापा, बुड्ढे बारा। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? चल फेंक इसे। बेटा, मैं एक मामूली मैकेनिक हूं। इनके परिवार के लोग बम ब्लास्ट में मारे गए हैं और ये अनाथ हो गए। अब इनका कोई नहीं है। परवरदिगार ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? मार डाला उनको, उन लोगों ने मार डाला मेरे माँ बाप को, नाना भाई और उनकी गैंग ने। शैतान, तुम्हारा परिवार ही नहीं, इस मुंबई में 3 जगह बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें सैकड़ों परिवार मारे गए। ब्लास्ट के बाद वो देश छोड़कर भाग गए। अल्लाह ही उन्हें इसकी सजा देगा। नहीं, उन लोगों को सजा मैं दूंगा, ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। खुदा की कसम, वो लोग दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उन्हें मारने के लिए तुम्हारे साथ अब मैं भी हूं मरते दम तक। डियर ऑफिसर्स, एक डेंजर सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए ये एक इमरजेंसी मीटिंग है। आज हैदराबाद के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बॉम ब्लास्ट हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। वो ब्लास्ट RDX से किया गया है। वो ब्लास्ट कोई प्लान करके नहीं किया गया है, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। ताज्जुब की बात ये है कि
कि उसके बगल वाले प्लांट में 1 किलो आरडीएक्स मिला है। इससे साबित होता है कि हैदराबाद में जगह जगह ब्लास्ट करने की साजिश की जा रही है। स्पॉट पे मिले हुए मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि नाना गैंग के रॉबर्ट और शकील मलेशिया से इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पता चला है कि आज के इस ब्लास्ट में गुरु के साथ साथ उसके कई साथी मारे गए हैं। उन्हें इंट्रोगेट करके ब्लास्ट की सारी डिटेल्स मंगवा लें क्या सर? अफसोस की बात यह है कि 1 घंटे पहले गुरु की मौत अस्पताल में हो चुकी है। अब हमारे पास कोई गवाह नहीं। ये काम मैंने बहुत रिस्क उठाकर किया है सर। इसलिए तो कीमत भी दे रहा हूँ। इंडिया में पैसों के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। गुरु भाई इस ब्लास्ट के बाद यहाँ कोई नहीं बचेगा। सर गिव मी फुल पावर्स। रॉबर्ट शकील और नाना के दोनों भाइयों को जहन्नुम से भी ढूंढकर हैदराबाद ले आऊंगा। मलेशिया के पुलिस डिपार्टमेंट से मैं बात कर लूंगा। यू गो अहेड। ओके सर। ब्लास्ट को रोकने तक इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। जब्बार, इंफॉर्मेशन मिली है कि शकील कुआलालंपुर आ रहा है। मलेशिया के आईएसडी लाइन से नाना भाई के बारे में पहली बार इंफॉर्मेशन मिली है। हमें अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी चिता जलानी होगी। भाई ये रॉबर्ट और आपके बारे में हमारे आदमियों से इंक्वायरी कर रहा था। कौन है बेतू? हमारे बारे में इंक्वायरी? इन्फॉर्मर है क्या? ऐ सुअर, हाथ उठाने से पहले एक बार सोच ले कि तू किस पर हाथ उठा रहा है। ऐसा ना हो कि ये तुझे बहुत महंगा पड़ जाए। तुझे मारूंगा तो कौन आएगा बे? कौन आएगा बचाने? कौन आएगा रे? तुम्हारी उम्र देखकर ही हम लोग तुम्हारी ये गलती माफ कर रहे हैं। चुप बे साले। ए, तेरा एड्रेस किसी को भी ना पता चले ऐसी भगवान से प्रार्थना कर, वरना तू किसी को एड्रेस बताने के लायक नहीं रहेगा। तेरी तो मैं इसी एयरपोर्ट पे तुम्हारी लाशें बिछा दूंगा। उसके बाद आएगा वो। कौन है वो? कहाँ है वो? ये है एक मिस्ट्री। क्रिएट करता हूं मैं हिस्ट्री। तुम सबका खात्मा करना है मेरी विक्ट्री। कहा था ना एड्रेस बताने के लायक नहीं रहोगे। अब तुम्हारा एड्रेस? हाय कैची मैं लाइव। Thank you.
कौन है बे तू? शैडो, आई एम सन ऑफ रघुराम, दिस इज द बिगिनिंग। वेलकम टू कुआलालंपुर सर। आप? आई एम पीटर पिंचलोया, इन चार्ज, सीनियर कॉप, ही इज जूनियर कॉप मस्तान। नमस्ते साहब। मिस्टर पिंचलोया सर, नाना गैंग की डिटेल्स के साथ सारे माफियाज की डिटेल्स मुझे चाहिए। ये माफिया गैंग को ऑलरेडी कोई टारगेट कर ही रहा है सर। शकील का गेम भी खत्म हो चुका है सर, सर। और अब रॉबर्ट का भी चाहिए सर। नाना गैंग की एक्टिविटीज क्या है और वो कहां से ऑपरेट करता है, उसकी स्पेशल रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर। उस गैंग के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे। ओके सर। टोल फ्री नंबर 668। अब रॉबर्ट के दिन पूरे हो गए। कम बोलना अच्छा होता है। अब्दुल, ये ले तेरा पासपोर्ट। तुझे हैदराबाद जाकर स्टूडेंट बनना है। हमारा पहला प्लान गुरु भाई के हाथों से फेल हो गया, इसीलिए तुझे वहाँ भेज रहा हूँ। करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस पर अक्टूबर में ब्लास्ट हो ही जाना चाहिए। शकील को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला, इसीलिए तुझे होशियार रहना होगा। उस रोबोट को जिस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था उसका क्या करें? वो ऑफिसर हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। रोबोट को कैसे छुड़ाया जाए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तुम पुलिस वालों की लाशें बिछाओ या पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर दो, हमें मतलब नहीं। नाना भाई को ये खबर मिलने से पहले रोबोट बाहर आ जाना चाहिए। एक बुरी खबर, जिस रोबोट को तुम ढूंढ रहे हो हैदराबाद के एक पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया है। हाई सिक्योरिटी जेल में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। वो मलेशिया से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, रॉबर्ट को मैंने अरेस्ट कर लिया है। 2 अक्टूबर की स्कीम को जानने के लिए वो हेल्पफुल होगा। मैं उसे स्पेशल फ्लाइट से लेकर आ रहा हूँ सर। प्रताप, शकील का किसी ने मर्डर कर दिया है और कोई नाना गैंग को ट्रैप कर रहा है। बी केयरफुल। श्योर सर। ओह, अरे मस्तान, इस मैच में ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी सर। कौन बेवड़ा है ये? सर, ये दारू पीकर रोड पर हल्ला कर रहा था। आराम से। ए मिस्टर, सामने साहब है। अरे छोड़ा। व्हाट इज योर नेम? नेम अरे क्या हो गया इसे? डालो, नशा उतरने के बाद देखेंगे। अरे ले जाओ। अरे मेरा गाल छू रहा था वो। अरे भाई साहब इधर आओ ना। ए डोंट ड्रिंक। एक मिनट आओ तो। अरे पीना नहीं। सर, शकील को तो आसानी से मार दिया, लेकिन रॉबर्ट तो सेल के अंदर है। सिक्योरिटी भी फुल टाइट है सर। कल मॉर्निंग में उसे लेकर इंडिया निकल जाएंगे। आज रात को ही कुछ हो गया तो? Stop. Something is wrong. Go back. अरे मस्तान, ये तो मस्त खेल रहा है। कौन है रे तू? शैडो, शकील को मारने वाला शैडो। किसके कहने पर यहाँ आया है? मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ, यहाँ तुझे खत्म करने के लिए आया हूँ। तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। बचपन से ही तू फिक्स था। नाना के साथ साथ तुम सब मरोगे। तू है रघुराम का बेटा। मैं
नाना भाई कहाँ छुपा है? नाना भाई मलेशिया के समंदर में छुपा है, तू उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। तुझे भी वहीं भेज दूँ क्या? उसकी जरूरत नहीं है बे, उससे पहले तू शमशान पहुँच जाएगा। पिंचलया, ओ सर, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आदमी आया? वो नहीं, एक आदमी आया है। वो कहाँ है? लॉकअप में है सर। लॉकअप में है सर। सर, ये अपना ही ऑफिसर है सर। Damn it! Come. ऑफिसर, सारे दरवाजे बंद करो। सर, कमांड जल्दी करो। अरे तुम उस तरफ दरवाजे बंद करो। तुम उस तरफ जाओ। अरे मस्तान। जी सर। ये ऑफिसर कौन है? इसके बाल, इसके गेटअप से ये बिल्कुल शैडो जैसा लगता है ना? स्टॉप, स्टॉप, आई से, आई शूट यू। हैं? ये गिनती क्यों कर रहा है? धुएं का बम लगता है, वो भाग जाएगा, उसे पकड़ो। मिल गया, मिल गया, मैंने पकड़ लिया, मिल गया, शैडो मिल गया। अरे सर, ये मैं हूँ। थैंक यू ऑफिसर, अपना कोऑपरेशन इसी तरह कंटिन्यू रखिए। शैडो, सही पहचाना सर, आपका टारगेट और मेरा टारगेट एक ही है, नाना भाई और उसका गैंग। उन सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा, आप इंडिया में जाकर आराम कीजिए। तो जैसे क्रिमिनल को जब तक दबोच नहीं लेता, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। जल्दी मिलेंगे। हवा को छू नहीं सकते, मन को रोक नहीं सकते, और शैडो को पकड़ नहीं सकते। लेट्स सी। अभी अभी लंका एयरलाइंस के मेरे एक दोस्त से बातचीत हुई है। नाना ग्रुप की सारी डिटेल्स पेन ड्राइव में लेकर एक एयर होस्टेस आ रही है। उस एयर होस्टेस को हम पहचानेंगे कैसे? उस लड़की को मैं पहचानता हूँ। कौन आ रहा है सर? तुमने दुबई सीन देखा होगा और डांस सीन भी देखा होगा, वो है साइको सीन। साइको सीन? जी हाँ, डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास राव, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। आज तक फोटो में ही देखा हूँ, शक्ल से डॉक्टर नहीं वार्ड बॉय दिखता है। प्यारों, तुम सब लोग ट्रॉली धकेल धकेल कर मुझे सर्विस देते देते बड़े साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। कमीना बकबक कर रहा है। अरे रुको, गेस करो मधुबाला कहाँ है? मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर कहाँ चली गई थी बालिके? भैया ने लैंड होते ही फोन करने के लिए कहा था, तो फोन करने गई थी। हमसे ज्यादा फिक्र तुम्हें उनकी है, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? वो कह रहे थे कि मुझे एक लड़का देखने के लिए आ रहा है, मुझे बहुत पसंद करता है। भैया कह रहे थे कि मेरे लिए एक सरप्राइज है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, लव सेटलमेंट के लिए नहीं। सॉरी सर, वो तो मेरे भाई ने कहा था इसलिए। देखो जी, जो मुझे फॉलो नहीं करेगा वो हाथ मलते रह जाएगा। रिश्तेदारियाँ तो अपनी जगह पर रहेंगी ही। पापा ने कहा, भैया ने कहा, कहकर तुम लोग बहाना बनाते रहोगे तो ये लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब मुझे ही देख लो, शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए इस पोजीशन पर। उसके भी क्या कर लेगा बेटे, टेस्ट लेने की उम्र तो अब आई है। आपकी गलतफहमी है सर। करेक्ट। बालिके जी सर, अपने भैया से कह देना वो लड़का दिखने में ढक्कन जैसा दिख रहा है। बापरे, मेरा रेड जैकेट। वो देखो, वो सूट पहनकर जो उल्लू जैसा आ रहा है ना, वही है साइको सीन। नमस्ते, वेलकम टू मलेशिया। अरे बुके दो ना, ये है साइको श्रीनिवास। हाँ वही श्रीनिवास जी, आई एम योर लोकल मैनेजर हियर, ऑल इन ऑल। नाम? कम रेडी। सरनेम क्या है? ये मेरा सरनेम है, कम रेडी कामराज, मेरा पूरा नाम। क्या? आपको शौक क्यों लगा? मेरे पिता गांधीवादी, मेरी माँ सिद्धांतवादी, और मैं हिंसावादी। मैं हिंसावादी, चीड़ फाड़ करता हूँ। रिटायर होने की उम्र में भी क्या तेवर है। चलिए सारे चौकन्ने रहना, वो पेन ड्राइव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, सो बी केयरफुल। चलो।
धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। उस शैडो की वजह से घर से सड़क पर आ गई है जिंदगी। किसी भी तरह शैडो को पकड़ना ही है सर। कैसे पकड़ेंगे उसे? वो क्या हमारे बगल से गुजरेगा और हम पकड़ लेंगे उसे? सर वो देखिए, सेम टू सेम, सेम दिखता है। ब्लैक एंड ब्लैक, अरे मेरी रेड जैकेट, मेरी रेड जैकेट कहाँ गई? अच्छा मधु, उसका नाम क्या है? तूने कभी उसे देखा नहीं, फिर कैसे पहचानेगी? उसका नाम सन्यासी नायडू है, रेड जैकेट में आएगा। शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सन्यासी? नाम ही बकवास है, डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा। बाप रे, सन्यासी नायडू तो बड़ा ही हैंडसम है। हाय। हाय। आपने मुझे बुलाया? मैंने आपको बुलाया? आप ही ने बुलाया? नहीं नहीं, आपने मुझे बुलाया है। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप ही ने मुझे बुलाया। कंफ्यूजन कैसा, आप तो सरप्राइज देने वाले थे ना। अब सरप्राइज का प्राइस बॉक्स तो खोलो। अरे हाँ, उसकी हाइट, बाल बिल्कुल उसके जैसे हैं। सेम टू सेम दिखता है। क्या आपको कोई गलत है? इससे शादी का प्लान कैंसिल। और वो देखिए, दोनों किस कर रहे हैं? अरे वो दोनों लवर से पागल समझा कर। चल, ऑल द बेस्ट। लगता है बहुत दिनों बाद मिले हैं। राजा, मलेशिया में ऐसा होता रहता है। पेनड्राइव मिल गया है। आजा, आजा, आजा। अब आप सोच रही है क्या? अबे अबे, कहाँ से आ जाते हैं? कौन है ये? कहाँ से आ जाते हैं? मालिक है, मैं गधा हूँ क्या? यहाँ पे कोई आया, कुछ दिया, तुमने लिया, मैं कहाँ? ठीक तो हो ना? क्या कर रहा है? लगता है पहली बार है। होठों को पोछ लो, चलो चलो। क्यों जी, हैदराबाद आना है या नहीं, या मलेशिया में ही सेटल हो जाना है? अरे आ जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल गई थी कि नहीं? डिलीवरी की क्या डेट दी है? उससे पहले ना तुम एक फैंटास्टिक गुड न्यूज़ सुनो। वो क्या है? वो हमारे पड़ोसी है ना, साइको सीन जी, उनको कुआलालंपुर भेज दिया आपका एड्रेस देकर। उस साइको सीन को मेरा एड्रेस क्यों दिया तुमने? मैंने नहीं दिया है जी, वो खुद आकर यहाँ से ले गए हैं, और मधुबाला भी उनके साथ ही आ रही है। वो आ रही वो ठीक है, लेकिन साइको जी के साथ बैठते ही मेरा टॉर्चर शुरू हो जाता है। इस घर में वो आए ना तो सचमुच मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्या चल रहा है प्रताप जी, मेरे बारे में बात हो रही है लग रहा है? हाँ, आपके आने की गुड न्यूज अभी अभी बिंदु ने दी है। आइए आइए, लो वो आ गए। हाय डियर ब्रदर। हाय मधु, बात कर लो बिंदु से। हाय मधु। बिंदु, तुमने प्रताप जी के लिए जो स्वीट्स दिए थे ना, वो फ्लाइट में सब लोग मिलकर खा गए। हाँ, मैं जानता हूँ, पागल लोग ऐसा ही करते हैं। उसके लिप्स मूवमेंट से लग रहा है कि वो मुझे पागल कह रहा है। आपके लिप्स तो है नहीं, फिर कैसे पता चला? प्रभु, बड़ा शानदार फ्लैट है तुम्हारा। एक को छोड़कर यहाँ सभी रह सकते हैं। एक को छोड़कर मतलब मुझे? कमीशन देना पड़ेगा यहाँ। सुन प्रताप, हम लोग 10 दिन तक यहाँ डेरा जमाएंगे, खातिरदारी शानदार होनी चाहिए, मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। बोल रहा है, लगता है मलेशिया इसी के लिए। ठीक है ठीक है, आप लोग जाके फ्रेश हो जाइए। मधु तुम भी फ्रेश हो। सुन तो, तुम्हारा रूम कौन सा है? वो वाला। ओके। डियर स्टूडेंट्स, ऑल यू नो, दिस इज डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास, वर्ल्ड फेमस पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। क्लैप। डेड बॉडी को कबाड़ी होने तक और मेरे सेटिस्फाई होने तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। तो अब मिशन शुरू। सुनो, तुम लोग डॉक्टर्स के साथ घुल मिल जाओ, मैं उसे सॉरी बोल के आता हूँ। ठीक है ठीक है। चलो। सॉरी सर, मेरे इट्स ओके बालके, गो। थैंक यू मधु। हाँ भैया, डेमोंस्ट्रेशन में। हाँ, सन्यासी आ गया, उससे तुम मिली क्या? सन्यासी? वो तो एयरपोर्ट पर मिला था। मिला था? तुमने उसे पहचाना कैसे? रेड जैकेट से। ठीक है ठीक है मधु, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम जरा उसे ठीक से पेश आना। हाँ, फिक्र मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूंगी। ओह गॉड। वो यही हो रहा है। आप यहाँ हैं? मैं बॉडी डेड बॉडी कबाड़ी। अरे ये लाश की बदबू क्यों सूंघ रहा है? No, मैं बदबू से एनर्जी ले रहा था, वो भी टर्बो। अच्छा, वो फिर आ गया? वो जी एक्चुअली यू नो, ये यहाँ कैसे, वहाँ लाल कोट, यहाँ सफेद कोट? डॉक्टर है सर,
डॉक्टर नहीं, मुझे तो एक्टर लगता है ये। ओ डॉक्टर, कम ऑन, आप ही का इंतजार था, आप डॉक्टर है ना, कम ऑन। आप उसे क्यों बुला रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस इसे दिखाकर यहाँ से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दूंगा। डेड बॉडी की डिटेल निकालना लड़की को किस करने जैसा नहीं है, देखना कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए इसे। कम ऑन, लुक एट द बॉडी। कहीं इनकी हालत भी ऐसी ही ना हो जाए। क्या कह रहे हो, मेरी बहनी क्यों खराब कर रहे हो? ऐसी डेड बॉडी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सब ऐसी ही होती है। बता सकते हो ये मर्डर है या नॉर्मल? ओ डॉक्टर साहब, जल्दी ये काम निपटा कर बॉडी हमारे हवाले कर दो। बहुत डेंजरस गैंगस्टर था ये, इतनी भीड़ जुटा के क्या कर रहा है? ये एक मर्डर केस है, किलर कोई कसाई खानदान का रहा होगा। अच्छी तरह देख कर एग्जामिन करके मेरे रिपोर्ट में जैसा है वैसे ही तुम्हें बताना होगा। बताओ, पहली बुलेट इसे कहां पर लगी, बता सकते हो तो बताओ। हवा टाइट हो गई। हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट से बुलेट नहीं लगी थी, जबड़े पर घुसा पड़ा था। सर, करेक्ट सर, दैट्स अ फ्रैक्चर। तो फिर ये बताओ, इसके जिस्म में तीन बुलेट्स मिली हैं, फर्स्ट बुलेट कहां मिली? तीन बुलेट्स नहीं, पूरी पांच बुलेट्स लगी। पहली दो बुलेट्स पैर में लगी, करेक्ट। बाकी की तीन अपर बॉडी में, जिसमें से एक उसके दिल में घुसी। दूसरी वाली राइट चेस्ट में लगी और तीसरी लेफ्ट चेस्ट में। किलर साइलेंसर का यूज किया। साइलेंसर। लगता है पोस्टमार्टम इसी ने किया है। और ये दाग? इस दाग को लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सामने दिख रहा है, इसी का हिस्सा है। नहीं, वो दाग वर्षों पहले पत्थर की चोट का है। लेकिन ये करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। आप तो बिल्कुल कमाल हो सर, तुप्पा तालिया तालिया। सर, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, आप इसे ले जा सकते हैं। ये लफड़ेबाज डॉक्टर साहब, उस आदमी को देखिए, वो आदमी मुझे सेम टू सेम दिख रहा है साहब, जो सफेद कोट पहन रहा है। ए, तुम अपना परिचय दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। फिर क्या माफिया हो, डेड बॉडी ले जाने आए हो? मेरे पिताजी आंध्रा के होमो है। सर, मेरी बात मानिए, मैं उसे जानता हूँ सर। वो देखो, वो साहब जानते हैं। आप दोनों यहाँ आइए। कौन हो तुम? सर, मेरा नाम सन्यासी है सर। हा? हा? मैं मधुबाला से मिलने आया हूँ। उससे कहा था एयरपोर्ट पे रेड जैकेट में मिलूंगा, लेकिन जैकेट किसी ने चुरा लिया। तो फिर? तो क्या मेरा इंतजार करते करते वो थक गई होगी? ऑफिसर, ये कौन है मैं नहीं जानता। Take him to custody. अरे जूनियर कॉप, पकड़ लो इसे। सर, ए मिस्टर, चलो चलो, वो सब हम पता लगा लेंगे, चलो। सर, ये सन्यासी है तो फिर वो फ्रॉड। ओह, ये बेचारा मधुबाला से मिलने आया था, तो आपने इसे पुलिस के हवाले क्यों कर दिया सर? मुझे कंपटीशन करने वालों से सख्त नफरत है, सबक सिखाना है मुझे, अब देखना खेल, चलो। It's unbelievable. Psycho scene sir का शौक ही हो गए थे। आप सिर्फ देखकर सब कुछ करेक्ट बता दिया सर। वैसे सन्यासी जी आप करते कहा सन्यासी जी? हाँ, आपका नाम गलतफहमी हुई है, मैं सन्यासी नहीं। ये सन्यासी नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड वर्ड कहेगा ना तो नक्शा बदल दूंगा तेरा, जितना जमीन के ऊपर है ना उतना ही जमीन के अंदर डाल दूंगा। पहले तू साइको का इलाज कर। तेरी सोच ही इतनी एंग्री है तो इस एंग्री यंग मैन का एक्शन कैसा तूफान लाएगा? भाई शकील को भी उसी शेडो ने मारा है, रॉबर्ट इस वक्त जेल में है, वहां उसे कुछ हो इससे पहले निकाल लेना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ, उसे भी पुलिस स्टेशन में ही मौत के घाट उतार दिया गया है, उसका फ्यूनरल जरूरी है। बहुत रिस्क है भैया, वो हैदराबाद का एसीपी प्रताप हमें टारगेट कर सकता है। अरेंजमेंट्स कर। इस अंडरवर्ल्ड डॉन को अंडरवियर में हमें इंडिया ले जाना है, इन तीनों भाइयों को हमें जिंदा पकड़ना है। This is the moment.
Surround him. Come on, move. Shadow. Catch him. Surrender. You can't escape. Shadow. Idiot. ये मेरी कार के ऊपर क्यों आया? Hey mister, any problem? No problem. अरे सुनो, अरे जल्दी आओ जल्दी।
निकाल दिया। सर ने तो महान काम कर दिया। सर आप तो मुर्दों का चीरफाड़ करते हैं। आज मैं पहली बार देखने वाला हूँ कि आप एक जिंदा आदमी का चीरफाड़ कैसे करेंगे। कमाल है सर, आई रिस्पेक्ट यू सर। आपने क्या प्लान बनाया था सर? अरे भाई मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, ये तो एक एक्सीडेंट। अरे सर ये कमाल कैसे किया? इधर आओ इधर। ओह गॉड, ही इज ब्लीडिंग। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी। इसे इस हालत में लाने वाले श्रीनिवास साहब है। रात को दारू पीकर इसे अपनी गाड़ी से ठोक दिया। देखो इसका क्या हाल कर दिया। कुछ नहीं जानता बेटा, ये जख्मी हालत में मेरी कार पे आ गया। तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पुलिस को भी फोन कीजिए प्लीज। हाँ पुलिस आएगी, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी और इन्हें स्टेज पर लेकर जाएगी। सर मलेशिया में जब कोई क्राइम करता है तो उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सम्मानित किया जाता है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। इस काम में और कितने लोग आपके साथ थे सर? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। थोड़े कम, थोड़े से। मैं ही क्या, आज तक मेरे खानदान में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ये जख्मी हालत में मेरी कार पे आकर गिरा था, इसमें मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते इसे यहाँ पर उठा कर लेकर आया। लेकिन ये बात आप लोग प्रताप को मत बताइएगा प्लीज। पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। वही पुलिस को मत बताना। छोटे को मैं बचा नहीं पाया, साला वो पुलिस के डर से भागने में कामयाब हो गया। इस मलेशिया में हम पर अटैक करवाने की हिम्मत सिर्फ तीन लोगों में है, जॉन, कासिम, पॉल। मैंने उन्हें यहां बुलवाया है। वो शैडो डेफिनेटली इनके साथ मिला हुआ होगा। नाना भाई, व्हाई डू कॉल अस? इस धंधे में किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसके कौन से इलाके हैं, इसको लेकर हमारे बीच समझौता हुआ था। तुम तीनों में से कोई एक मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी गैंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। डाउट के लिए बोला है क्या? तुम तीनों में से शैडो का साथी कौन है? नो नो, दिस इज टू मच। वी आर नॉट वर्किंग अंडर यू। वी हैव आवर ओन बिजनेस एंड मैन। डोंट थिंक वी आर अफ्रेड ऑफ यू। Can't do anything, Nana. लाला को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए हैं। बुलेट निकाल ली गई है, वो खतरे से बाहर है। अब हमें क्या करना चाहिए? उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे। हम पर हमला करने वाला वो शैडो कौन है ये जानना जरूरी है। उसे सोए हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक उसने आंखें नहीं खोली अपनी। मुझे लगता है वो कोमा में चला गया। अच्छा सर, आपकी सीट कंफर्म। क्या कह रहे हो भाई कामा रेड्डी? मुझे ये बताओ, यहाँ पर कोई राजनीति का खेल चल रहा है क्या? लगता है इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, इसीलिए इतनी गहरी नींद आई है। सर, मैंने आपकी स्टोरी फेसबुक पर डाली थी, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग आपके फैन बनते जा रहे हैं। आप लोग जरा चुप रहेंगे, उन्हें क्या हुआ है ये सोचकर मैं टेंशन में हूँ और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। लगता है मैडम जी का कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया सर। Hey, sir, are you all right? कैसे हैं सर? आप ठीक तो हैं?
सर, लाखों लोग फेसबुक पर आपके ठीक होने के लिए दुआएं भेज रहे हैं। आपका ये हाल इसने किया ना, बताइए ना सर। देखो भाई, तुम डरो मत, यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं हूँ ना यहाँ पर, सब मैं देख लूंगा। गाइड हो, गाइड का काम करो, इन्हें गाइड करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है, जबकि तुम खुद मेरी कार पर आकर गिरे थे। सिर पे चोट लगी थी और खून बह रहा था। सच्चाई क्या है इन्हें बताओ, प्लीज बताओ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं दादाजी? दादाजी ये तो बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ दिया, वेरी गुड यार। आप कौन है अंकल जी? अंकल, तुम सच में नहीं जानते क्या हुआ था? नहीं जानता आंटी। आंटी, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है आंटी। आंटी काना। साइको सीन साहब, आप तो महान हैं। एक खतरनाक आदमी का माइंड आपने इस तरह से ब्लॉक कर दिया है कि वो क्या कर रहा है उससे खुद भी पता नहीं। सर मुबारक हो। चलत आंटी, मुझे थोड़ा दूध चाहिए आंटी, ब्रेड के साथ। लाओ लाओ ना। समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग, लेट्स टेक हिम टू हॉस्पिटल। इट्स अ पेक्युलर केस ऑफ रेट्रोगेट इनिशिया। एक्सीडेंट की वजह से माइंड का एक छोटा सा हिस्सा ब्लॉक हो गया है। हो गया तो हो गया। हेलो। इसकी मेमोरी 1 पॉइंट नीचे चली गई है, इसलिए इसकी भाषा, बिहेवियर और हरकतें एक छोटे बच्चे की तरह हो गई। यानी अब ये जमीन में किसी को नहीं गाड़ेगा। क्या इसका कोई सलूशन नहीं है डॉक्टर? अगर ये किसी जानी पहचानी जगह है, या अपनी किसी जान पहचान वाले को देखेगा, या फिर ऐसी कोई घटना देखे जो इसके साथ कभी पहले हो चुकी हो। नहीं, टिकट है। क्या ये ठीक नहीं हो सकता? वैसे चांसेस बहुत कम है। प्लीज टेक केयर। सुनिए चले। शैडो का फेस किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसका पहना हुआ क्रॉस ही नजर आया। सिक्योरिटी कैमरे में भी उसकी तस्वीर क्लियर नहीं आई है सर। एयरपोर्ट पर सिटी के हर कोने में उसकी तस्वीर लगवाई थी, बट नो यूज। कहाँ है ये शैडो? हैंड्स अप। कौन हो तुम? मेरा पेशेंट है ये। कुछ दिन पहले एकदम नॉर्मल था, एक्सीडेंट में इसकी मेमोरी चली गई और ये बच्चे जैसा बिहेव करने लगा। इसकी प्रॉब्लम स्टडी करके, ट्रीटमेंट देकर, मेडिटेशन करवाकर सॉल्यूशन निकालने पर लगा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अरे सर, अब तो ये छोटा बच्चा बन गया, कुछ भी बोल दो ना। चंटी। ये जगह हमने आपको रहने के लिए दी है, आप यहाँ पेशेंट को भी ले। एक काम करो, ये पता करो कि ये क्रॉस कहाँ से खरीदा गया था। ठीक है सर। मैं जानता हूँ ये कहाँ है। मैं जानता हूँ। संभाल लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपना केस संभालिए, मैं उसे संभाल लूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये हमें नहीं पता। आप अपना काम देखिए, हम अपना देख लेंगे। ऐसा क्रॉस चर्च के आसपास किस ज्वेलरी शॉप में है पता करो। ओके सर। वो यही है। मेक इट फास्ट। अंकल चलिए गेम खेलते हैं। किस हाथ में है? बताइए किस हाथ में है। अरे बेटा चंटी, बाहर जाके खेलो जाओ। बताइए ना। ठीक है, इसमें नहीं है। अगर इस हाथ में नहीं है तो इस हाथ में तो होगा ही होगा। होगा बुद्धू। मैं भाग जाऊंगा। क्या नहीं खेलूंगा मैं। छोटे बच्चे का नौटंकी बंद करके अंदर जा। जा चट्टी, तुम जा, तुम चुप रहो। चट्टी चलो। सर आज भी आपकी बॉडी बिल्कुल फौलाद लग रही है। क्या सर फेंक रहा है? क्या है क्या करेक्टर है? चुहिया भी ऐसी बॉडी देखकर शर्मा जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा सर, जाने दो। ए पवन अंकल, पवन अंकल। मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ। हाँ हाँ हो। और मेरा एक रूल है। बढ़िया रूल है, सुपर रूल है अंकल। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। ए महेश अंकल, अच्छा आप सुसु करने जा रहे हो? मैं अभी करके आया हूँ। जब वो खुद अपने आप को नहीं पहचानता तो क्या जरूरत है उसके बारे में ज्यादा जानने की? मेरे सर पे खून सवार है, अब भगवान भी ऊपर से आया तो तुझे नहीं बचा सकता। मार डालो उसे अंकल। बिल्कुल पागल लग रहा है वो लड़की। आपको ही घूर रही है सर, लगता है आप पे फिदा हो गई है सर। तुम लोगों जैसी सिक्स पैक नहीं है मेरी। फौलाद अचानक मोम कैसे बन गया? देखती हूँ, इसके फ्लैशबैक में जाकर देखती हूँ। इट्स माय चैलेंज।
वो पूरी तरह से सेंटी हो चुकी है, वो चंटी की तरफ ही जा रही है। लगता है चंटी के पीछे ये लड़की पागल हो गई है। सर आप उसे रोकिए ना सर। मैं सेकंड हैंड की तरफ नहीं देख रहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो इन्हें देख रही है। सर वो देखिए कैसे बात कर रहा है, आप उसे रोकिए। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक बार मेरा मतलब तुमने मुझे एक बार किस किया था, याद आया? नहीं याद आया। फर्स्ट टाइम हम दोनों एयरपोर्ट पर मिले थे। एयरपोर्ट फ्लाइट करेक्ट, वहाँ पर हम दोनों मिले थे। अच्छा। तुमने मुझे देखते ही पकड़ लिया था। पकड़ लिया था? लेकिन तुम्हें तो ये हिम्मत ही नहीं है। बकवास बंद कर। फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। बाहों में? हाँ। और फिर मुझे यूं पकड़ के। सर वो किस करने जा रही है सर? पप्पी शेम आंटी, मैं पप्पी नहीं दूंगा, मैं दादाजी से कह दूंगा। दादाजी ये मेरी पप्पी ले रही थी। मारो आंटी को। शेमलेस आंटी। मारूंगा। इसे लेडीज से एलर्जी हो गई है, इसका कुछ करना होगा। पता नहीं ये कैसी नई नई ट्रिक अपना रहा है। तुम यहीं बैठो, कहीं मत जाना, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। दादाजी बड़ी आइसक्रीम लेके आना है। इतनी बड़ी आइसक्रीम लेकर आऊंगा, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, मैं अभी आता हूँ। कहीं नहीं जाना, यही बैठे रहना। Let's start party. Yes. चंटी पता नहीं कहाँ चला गया और बेचारी मधुबाला बहुत दुखी है। साइको जी अब बता भी दो वो कहाँ है, लड़कियाँ बहुत परेशान हो रही हैं। उसे बड़ी सी आइसक्रीम चाहिए थी, इसीलिए बड़ी सी जगह पे छोड़ के आया हूँ। साइको है। बेचारी को आप अकेला छोड़ कर आ गए ना। आप डॉक्टर बाद में पहले इंसान है, पेशेंट का मेमोरी लॉस हुआ है और आप लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं चलो। दादाजी 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 चांटी, आर यू ओके? देखो ना दादाजी आइसक्रीम लेने गए थे, अभी तक आए ही नहीं है, मुझे भूख लगी है। अभी बहुत रात हो गई है, चलो घर चलो। दादाजी के आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझसे कहा था कहीं मत जाना। चांटी दादाजी ने झूठ बोला था, वो तो मैं अकेला छोड़कर चले गए, अब चलो। चंटी मधुबाला को मिला होगा कि नहीं? मलेशिया में एक बार कोई गुम हो जाए तो मिलता है भला, गुमनामों के लिस्ट में शामिल हो गया होगा। अरे वो देखो मिल गया। कट्टी। ये कट्टी का मतलब क्या है? कट्टी का मतलब है तुम एकदम कमीने हो, पागल हो, गधे हो, उल्लू हो, बंदर हो और बेवकूफों के शहनशाह हो, इतना सारा मतलब होता है। चंटी वो तुम्हें तंग करते रहेंगे और तुम सहते रहोगे, कुछ करोगे नहीं। क्या करूं? तुमने फिल्मों में देखा नहीं है क्या हीरो विलन्स के साथ क्या करता है? तुम्हें ऐसा ही करना होगा, हीरो तुम और वो विलन। ये मिस्टर सीपी जागृति चैनल के मालिक हैं, जागृति प्रेस की आड़ में मीडिया किंग बन गए हैं, बाकी के प्रेस इनके आसपास भी नहीं टिकते। प्रेस यहाँ है और वो सिंगापुर में सेटल है। अब वो इंटरनेशनल मीडिया बनाने के चक्कर में है, इसलिए वो यहाँ आने वाले हैं। उनके प्रोग्राम में होम मिनिस्टर चीफ गेस्ट होंगे, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी और सिक्योरिटी का इंचार्ज तुम्हारे जीजा प्रताप को बनाया गया है। होम मिनिस्टर अरे बाप रे, इस गर्मी और इस टेंशन ने दिमाग का दही करके रख दिया है, बस ये काम निपट जाए फिर मसाज करवाऊंगा। अरे मानिक। नमस्कार साहब। तुम कौन हो, मसाज वाला मानिक कहाँ है? मैं उनका साला हूँ, वो बैंक के काम से गए हुए हैं। आपको क्या करना है कैसे करना है मुझसे कहिए ना साहब। एक घंटे बाद वो आ जाएगा ना तो उससे करवा लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। एक मौका दीजिए ना साहब। आप रुकिए साहब, मैं खोल दे रहा हूँ ना, इससे आपको चैन की नींद आएगी साहब। आजा आजा आजा।
चाहे लेकर मुझे अपना बेटा नहीं बेचना है, इसलिए गरीब लड़की से इसकी शादी कर रहा हूँ, यही है मेरा सिद्धांत। ये लो डैडी, किसी ने आपके लिए डीवीडी भेजा है, अर्जेंट देखने के लिए कहा है। अरे ये कोई वक्त है फिल्म देखने का? ये कोई फिल्म नहीं है, आपका राजनीतिक भविष्य है। क्या लफड़ा है ये? मेरा राजनीतिक भविष्य क्या है इसमें? जरा देखता हूँ। नीलूज अवतार, ये भूत कौन है? मुझ जैसा ही लग रहा है। ये तो मैं हूँ। ए तू जा यहाँ से, चल चल। अरे बाप रे, ये सीपी चैनल का सीकरेट ऑपरेशन। अरे ये क्या है यार, मसाज के नाम पर कर रहे हैं रासलीला, वो भी छोटी बच्चियों के साथ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। जनता की सेवा तो करने वाले किस तरह से ये तो लड़की है, इसके साथ मैंने ऐसा कब करवाया? छोटी बच्चियों को अपने घर पर बुलाकर उनसे मसाज करवाते हैं। कैसा है नीला नीला अवतार? ये सब गलत है, कौन हो तुम? सीपी चैनल का ओनर चैतन्य प्रसाद। ये क्या है सीपी, ये कैसी डीवीडी? तू कहीं भी कैमरा लगा के कैसी कैसी तस्वीरें निकालता है? तुम्हारे सारे पोल जानता हूँ, लेकिन पब्लिक नहीं मानेगी। मैंने और भी बहुत कुछ देखा है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म मेरे पास है, रिलीज करूं? अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। पार्टी देनी होगी, जब देखो तब ये मुझे लूटने का ही काम करता है। दे दूंगा, मिल जाएगा, अभी रखो। आओ आओ, मालकिन नमस्ते, मेरी बहन। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है, साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी है। ये तो मैं इस पर फिदा हूँ मम्मी। हाँ। देखो जी, हमारी होने वाली बहू। सर ये है मेरी बहन। नमस्ते अंकल जी, मेरी ननद किस्मत वाली है, मिनिस्टर के घर की बहू बनने जा रही है। इस रिश्ते से हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे अंकल जी। होम थिएटर है तो मैं अवतार देखूंगा। नहीं नहीं, वो बिगड़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वायरस आ गया है वायरस। सर ये मेरी बहन के गुरु फिलोसोफर गाइड सब यही है, डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास। मुझे आपसे खास जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आया हूँ अपने चेले को लेकर। थोड़ा सा टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या बात है डॉक्टर, इस टाइम पे ये सरदर्द। ये भी ना बस। लड़का लड़की को, लड़की लड़के को क्या सिग्नल दे रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। कमिश्नर साहब का जिस आदमी ने खून किया है ना, वो मेरे पास है। क्या तुमने मरवाया? उसे मैंने ही मारा है। आगे की जानकारी आपको वो देंगे। आपका लड़का क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, आज उसी की मंगनी है। आगे का समाचार उससे। आपके परिवार की इज्जत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे परिवार की इज्जत से तुम्हारा क्या लेना देना है? ऐसा कीजिए, ये देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं अपने मतलब के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ अंकल जी, ये मधुबाला बहुत अच्छी है। फाइन। हाँ वो तो दिख रही है। और बुआ का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि वो लड़की किसी और से प्यार नहीं करती, लेकिन आपका लड़का इससे करता है, तो आप उसकी शादी इससे कैसे करवा सकते हैं? तुम लोग मुझे उल्टा सुल्टा क्यों पढ़ा रहे हो, ये बता सकते हो? सीधी सी बात है साहब, एक दिन आपकी बहू और मैं एक रिसोर्ट के रूम में अकेले थे, वहाँ सीपी ने हमारा वीडियो बना लिया और आपकी होने वाली बहू को ब्लैकमेल कर रहा था। आप जैसे बड़े घर का रिश्ता मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने प्यार का गला घोटकर उसे मार दिया। इसको इस्तेमाल करके अब तुम क्या कर रहे हो? वो कमिश्नर तो गया सर, लेकिन सीपी चैनल का मालिक प्रसाद अभी भी जिंदा है और वो सिंगापुर में बैठा हुआ है। करेक्ट टाइम पर तुम मुझे मिले हो, उस सीपी के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे उसका काम तमाम कर दे, तभी हमारा भला हो सकता है। सर क्या? सर होम मिनिस्टर होकर मर्डर प्लान कर रहे हैं? जो गलती करता है उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है, सही टाइम देखकर उसका खेल खत्म कर दो। जिस किसी ने भी मेरी ऐसी फिल्म बनाई है उसे इस दुनिया से उठ जाना चाहिए। करेक्ट सर, एक खून करने की सजा भी फांसी होती है और दो खून की भी। इनाम के पैसे आप इनको दे दीजिएगा सर। अब बात सिर्फ 1 करोड़ की नहीं रही, 10 करोड़ का इनाम मिलेगा तुम्हें। जाओ। काम हो गया। वो एक इंटरनेशनल मीडिया के फंक्शन में आ रहा है, मैं वहाँ का चीफ गेस्ट हूँ। आप चीफ गेस्ट होंगे तो वहाँ भीड़ बहुत होगी सर। उसकी तुम फिक्र मत करो, रूट मैं संभाल लूंगा, वार तुम करना। हाँ, इस काम के लिए हम दोनों के बीच एक कोड होना चाहिए। तुम्हारा नाम है लक्ष्मी, मेरा नाम है तुलसी। मेरा नाम है नागवली। करेक्ट। बेटा सीपी, अब तेरा टाइम पूरा हो गया है। जजमान, मंगनी की रस्म का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी आइए। मुझे अभी अभी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है। वो सब तो होता रहेगा, रस्म तो पूरी कीजिए। मंगनी की रस्म कैंसिल। क्या है जी? तू चुप रहा है। क्या हुआ? तुम किसी से प्यार करती हो? मेरी ननद ऐसी लड़की नहीं है। तुम हटो।
तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करती है तो कोई बात नहीं रेडी, मुझे चलेगी, शादी तो इसकी मेरे साथ ही हो रही है ना। तू चुप रह, सही कह रहा है जी। मैं इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। तुम्हारी बहन जिस लड़के से प्यार करती है शादी उसी से करवाओ। लेकिन मुझे इसी के साथ शादी करनी है मम्मी। ये किसी और से प्यार करती है, तू समझता क्यों नहीं है? होम मिनिस्टर की फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग होनी है, इसलिए किसी को भी आईडी कार्ड चेक किए बिना अंदर मत जाने देना। डिक्की में ही तो खतरा है। क्या हुआ ड्राइवर, किस बात की चेकिंग हो रही है? लक्ष्मी नागवल्ली, चेकिंग चल रही है, जरा संभल के। होम मिनिस्टर जी आप घबराइए मत, कोई हरकत मत करना। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब डिक्की में तुम हो पता चल गया तो समझो मैं भी गया। लक्ष्मी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब ए इधर आओ सर। अब ये क्या है, सिक्योरिटी इंचार्ज? मेरे सिक्योरिटी वालों को भी चेक किया। ऑर्डर है सर, आपकी गाड़ी भी चेक करनी है। मेरी गाड़ी भी चेक करनी है? मेरी गाड़ी क्यों चेक करनी है, मैं होम मिनिस्टर हूँ। सेंटर से ऑर्डर है सर, प्लीज गेट डाउन सर। आप फिक्र मत कीजिए, गाड़ी से उधर जाइए। आप पूरी तरह से दब जाओ। अब मैं क्या करूं? प्लीज सर कोऑपरेट कीजिए, मेरी गाड़ी चेक करनी है ना, तो आओ देखो। अरे बिस्किट की खुशबू से कुत्ते आ गए हैं। हम लोग कोने में दब गए हैं, कुत्ते आने दो, कोई बात नहीं। आपके डिक्के में कुछ है ना तो कुत्ते। सर ये कुत्ते आपकी गाड़ी पर क्यों मंडरा रहे हैं? मंडराने दो, डिक्की खोलिए प्लीज। मंडराने दो, देख लो बाबा, देख लो मेरी डिक्की। हटो, चलो हटाओ इसको। हाँ देखो होम मिनिस्टर की गाड़ी की। हम लोग ऊपर की साइड में चिपके हुए हैं, डिक्की थोड़ा खोल कर बंद कर दो। इतना देख लो, और उठाऊं क्या? ठीक है सर, अब जाइए। चलो भाई। नमस्ते मंत्री जी। इतनी इज्जत बहुत हो गई अब। चलो ये पकड़ो, चलो प्लीज कम, चलो प्लीज कम। अब कैसे सब लोग मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरी समाधि बनाने में लगे हैं, मैं जानता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया सर? खुली सच्चाई सीपी चैनल पर तुम दिखाते नहीं हो क्या? द ओनली नेकेड ट्रूथ। 10 कंट्रीज में सीपी चैनल शुरू कर रहा हूँ। करोगे यार, तुम सब कुछ ओपन करोगे, उसी तरह मैं भी सब ओपन करूंगा। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड सर। ओके यू कैन गो, आईडी दिखाइए। ओके गो अहेड। हे मिस्टर, जेम्स ड्रॉप योर आईडी। थैंक यू। असली आईडी जानेगा तो फटके हाथ में आ जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीपी चैनल वेरी गुड चैनल, ओनली नेकेड ट्रुथ। मिस्टर सीपी वेरी गुड जेंटलमैन, आई वांट हिम अप 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 इन द स्काई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गो ऑन द डस्ट। तेरी जन्म कुंडली और तेरी असलियत दोनों पता चल गई साले, अब देखता जा। ला वो सब मचाते। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। इनके पास कुछ नहीं तो आप प्रेशर क्यों कर रहे हैं सर? तू चुप कर सर। लक्ष्मी अब ड्राइवर बनकर तू ही गाड़ी संभाल। अब सीपी को तुम टॉयलेट में लेकर आओ। मुझे लगे तब लाऊं या उसके लगने तक इंतजार करूं? हाँ? ये कहोगे खुद आ जाएगा। सच में आएगा? हाँ। हेलो। यू एम क्यू व्हाट? रघुराम सूर्या, साफ किया था ना? पैसा चैनल खम। सिक्योरिटी कैमरा पर पूरी तरह। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग सर। जेम्स नाम के एक अमेरिकन को और एमयू नाम के एक जापानीज को मारकर उनका आईडी छीन लिया है और उन्हें कमरे में लॉक किया हुआ है। जेम्स कम ऑन। हे एमयू, एमयू स्टॉप,
एमयू लक्ष्मी शिकार आ गया। हे तू समझ गया ना? आओ आओ सीपी साहब, तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हो और ना सुकून से ये करने दे रहे हो। मिनिस्टर जी, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आपके दिल में कुछ बात है और आप उसे तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं। अच्छा जी, और जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तुम्हें जो भी जानना है मेरा ये आदमी तुम्हें समझा देगा। छोटे, इन्हें सब खोल कर बताओ। सीपी चैनल, नेकेड ट्रुथ, कहना कुछ करना कुछ, कहना कुछ करना कुछ, कहना कुछ करना कुछ। तुलसी, अरे नागवली तुम हो? अरे लेकिन तुमने अपना भेष क्यों बदल लिया? हलाल हो गया क्या? शुरू होने वाला है। चुप। अब माल तैयार रखना। 10 crore। ए, ये सब क्या है? Who are you? Shadow. Shadow? राजा राम, सन ऑफ रघुराम, अपना जुर्म छुपाने के लिए तूने मेरे पिताजी को मार दिया। उस फाइल को फिर नाना के हाथ बेचकर तूने मेरे मामा जी को भी जान से मार दिया। रघुराम के बेटे हो तू और नाना मिलकर हैदराबाद में एक ब्लास्ट प्लान कर रहे हो। ये मत समझो कि मुझे पता नहीं। मैंने ब्लास्ट करवाने का प्लान किया है। मेरा फायदा होता होगा तो मैं कहीं भी ब्लास्ट करूंगा। फायदे के लिए उस दिन तेरे बाप को और सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले उन सारे सबूतों को छापने के बजाय नाना भाई के हाथों मैं नहीं भेजा। अब तुझे भी मैं यही खत्म कर दूंगा। मैं ड्रॉप द गन। यही है शैडो। डोंट शूट हिम, ही इज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। ये मुझे मार डालेगा। इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। डोंट शूट हिम। तुझे तो काम हो गया। अब तुलसी को माल की डिलीवरी के लिए फोन किया जाए। तुलसी, नागवल्ली स्पीकिंग। माल तैयार है ना? मुझे क्या इतना बेवकूफ समझा है? ये तुलसी कौन है और ये नागवल्ली कौन है? रॉन्ग नंबर लग गया। डियर कस्टमर, डायल किया हुआ नंबर कृपया जांच लें। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। लक्ष्मी तैयार है ना? ओके लक्ष्मी। लक्ष्मी ओके। मैंने तो तुझे घर दिखा दिया, लेकिन तुलसी को मैंने कितनी बार फोन किया पर वो बार बार फोन काट रहा है। अब हम प्रेस के साथ डायरेक्ट एंट्री करेंगे। तू सरेंडर हो जा और मेरा 10 crore। मैं अकेले ही सरेंडर क्यों करूं? तो फिर मर्डर के समय हेल्प किसने की? मैंने। तो तुझे भी सजा मिलनी चाहिए ना। घर पर जा
और आराम से सो जा। लक्ष्मी, इस नागवल्ली को गुस्सा मत दिला। एक कसाई से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है यह नागवल्ली। बस एक बात याद रखना, किसी ने कुछ नहीं किया है। लक्ष्मी, जब इस नागवल्ली को गुस्सा आता है तो वो किसी की माँ की फिर कभी नहीं सुनता। सीपी को मारने वाले शैडो है सर। दिल्ली से स्पेशल ऑफिसर मिस्टर चक्रवर्ती आ रहे हैं सर। यस सर, थैंक यू सर। माँ जी, मैं कैब भूल गया, जरा ला दीजिए। हाँ, ला रही हूँ बेटा, ये लो। थैंक यू माँ जी। नाना भाई, वो रघुराम की बीवी अभी तक जिंदा है। इंस्पेक्टर प्रताप उसका दामाद है। दोनों को उड़ा दो क्या? अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका क्या करना मैं देख लूंगा। ओके। सर, वो लाला का नारकोटिक टेस्ट ले रहे हैं सर। ए, हैदराबाद में ब्लास्ट का प्लान किसने बनाया है? मुझे पता नहीं। कौन है तुम्हारे टारगेट में? कोई नहीं है। तुम्हारे टारगेट में कौन है? ये काम कौन ऑपरेट कर रहा है बता। गुरु भाई। सर, गुरु भाई को मरे हुए बहुत दिन हो गए और ये गुरु भाई का ही नाम ले रहा है। हो सकता है वो मरा ना हो, शायद अभी जिंदा हो। बता। इम्पॉसिबल सर, उसकी डेथ हुई है। कमिश्नर त्यागी ने यह कंफर्म किया था। हो सकता है त्यागी ने झूठ बोला हो। सर, त्यागी और सीपी के मरने के बाद बहुत सी बातें सामने आई हैं और यह भी पता चला है कि ये लोग नाना भाई के लिए काम किया करते थे और शायद इसीलिए शैडो ने उन्हें मारा। शैडो के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। शैडो के केस की फाइल मैंने स्टडी की है। उसने बहुत सारे भेष बदले, बहुत सारे देश बदले, बहुत सारी हत्याएं की, लेकिन इन सारी बातों में सिर्फ एक बात कॉमन है। सिर्फ एक बात। वो क्या है सर? तुम हो। उसके लिए तुम शैडो हो। थिंक शार्प। जिन लोगों को तुम टारगेट करना चाहते थे उन्हें शैडो ने खत्म किया है। सारी बातों को तुम गौर करो, वो जरूर कोई तुम्हारा अपना ही है। और अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है गुरु भाई। शैडो को जान से मारने की बजाय जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। एक्सक्यूज मी सर। यस। माय वर्क इज ओवर, कैन आई गो? यू कैन लीव। थैंक यू सर। नाना गैंग पर वो क्यों फोकस कर रहा है सर? हाथ से मारने वाले को तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन दिमाग से मारने वालों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। और वो शैडो इस मामले में बहुत केयरफुल है। हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन वो अपने टारगेट को पूरा कर रहा है। बॉस, अरे तुम यहाँ कैसे? बॉस, तुमको कैसे देखा मैंने? वो पुराने वाले लफड़े को मिलजुल कर सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? सब कुछ ठीक हो गया। तक आबरा से ना, टेक केयर। ये प्रताप जी को गिफ्ट कर देना। ओके, हां ठीक है, गिफ्ट। ठीक है, बाय। देखो, तुम्हें सावधानी से काम लेने की जरूरत है। सर, यही दो आई विटनेस है। गणपति उत्सव में तुम लोगों ने त्यागी जी का खून होते हुए देखा था ना? अच्छा, तुम अंदर उसके साथ डील कर लिए ना? डील कर लिए मतलब क्या है? अरे ये टोपी आने या लैपटॉप हमारा गिफ्ट मत दिलाए। शैडो सर अभी तो यहाँ से गया। शैडो ने पूरा कपड़ा ब्लैक, चेहरा व्हाइट था, देखा नहीं गया? ए कम ऑन मूव। सर ये टोपी, टोपी पहन गया, निकल गया वो। सुनो जब्बार, वो गुरु अब भी जिंदा घूम रहा है। पूरा शहर छान मारो और उसका पता लगाओ। पता लगते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना।
कह गया, जो डर गया वो मर गया। हाँ बिजनेसमैन सब भूल गया, मेरे नशे में डूब गया। अरे कंट्री मैन की बज गई बैंड, तंबूरा बजाया ऑन बस स्टैंड। डार्लिंग कहकर पकड़ा हैंड, बिक गया वो सेकंड हैंड। ओ माय गॉड फैंस मेरे चारों ओर, वेयर इज माय बॉडी सबकी चंपी चंपी। यार तू दे दे प्यार की झप्पी, कमो कमो खम मिस मत बेबी। सारी दुनिया के सामने मरने का नाटक करके सिटी में ब्लास्ट का प्लान कर रहा है। एनकाउंटर कर दूंगा कुत्ते। चल। हे छोटे, पुलिस वालों का ये क्या हाल कर दिया रे? हे? तूने मेरी जान बचाई रे, कौन है तू? हाँ आई हेट पुलिस, इसीलिए मैंने इन लोगों का एनकाउंटर किया। मुझे तुम खतरे में लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। तू शेर है रे, तू शेर है। तू करता क्या है, क्या चाहिए तुझे? पैसों के लिए मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को मार सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने ये काम फ्री में किया है। मुझे काम चाहिए। काम चाहिए? अरे गैंग को तेरे जैसे आदमी की जरूरत है। मैं नाना भाई का राइट हैंड हूँ, तुम्हें टॉप पोजीशन में पहुंचा दूंगा। नाना तो विदेश में बैठे हैं, वो यहाँ कैसे आ जाएंगे? आने वाले हैं, नाना भाई आने वाले हैं। लो ये फोन रखो, इससे फोन लगाना। नाना भाई ने फोन उठा लिया। तो समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की। तू
शेर, अरे शेर। मैं चलता हूँ। राजा उसे यकीन हो गया? पूरी तरह से यकीन हो गया। चल लेकिन इन सारी बातों में सिर्फ एक बात कॉमन है, सिर्फ एक बात। वो जरूर कोई तुम्हारा अपना ही है। उसके लिए तुम शैडो हो। माँ क्या है राजा? वो नाना भाई आज शाम की फ्लाइट से आ रहा है माँ, पुराना हिसाब चुकता करना है। अब नाना भाई मेरा आखिरी निशाना है माँ, खून का हक अदा करने के लिए खुद शहीद हो जाऊंगा या उसे मार दूंगा। चांटी मम्मी के हाथ की खीर खाने आए हो? नहीं सर जी। तो फिर क्यों आए हो? मम्मी से मिलने। तुम्हें गन बहुत पसंद है क्यों? हाँ पसंद है। लोगों की जान लेना भी पसंद है ना? मैंने किसकी जान ली है? अरे वही शकील अंकल, रॉबर्ट अंकल, जीवा अंकल, त्यागी अंकल और फिर सीपी अंकल। इन सब का खून क्यों किया तुमने? ये आप क्या कह रहे हैं? चांटी किसी का खून क्यों करेगा? ये चांटी नहीं, ये बिंदु शैडो है, डेंजरस किलर। तेरा खेल खत्म, यू कांट एस्केप। नाना को इस दुनिया से उठाने से पहले मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। राजा उसे जिंदा मत छोड़ना। माजी आप ठीक तो है ना? वो फरार हो गया बेटा। फरार हो गया? या आपने फरार करवा दिया? बिंदु मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने जो देखा ना वही कह रही हूँ। माजी उसे क्यों मगाएंगी? मैं सच कह रही हूँ, माँ ने ही उसे चाकू निकाल कर दिया था, मैंने खुद देखा है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया बोलो ना, क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई राजा है इसीलिए। क्या माजी आप क्या कह रही? हाँ बेटा तुम जिस शैडो को ढूंढ रहे हो वो मेरा बेटा राजा है। तुम्हारी नजर में वो एक गुनहगार हो सकता है लेकिन उसने सिर्फ एक बेटे का फर्ज अदा किया है। मेरा बेटा नाना का सर्वनाश करके ही रहेगा। सर वो शैडो जिस चालाकी से हर काम कर रहा है वैसा हम क्यों नहीं कर पाते? हम सोचते नहीं इसलिए। ब्लास्ट कहाँ होने वाला ये अभी तक पता नहीं लगा पाए। इसे कोर्ट में हाजिर करने जा रहा हूं, इसे बेल मिल जाएगी और ये फिर वही काम करेगा। जा। प्रताप कमिन, प्रताप कमिन। टेल मी सर। प्रताप, आचार्य जी का बेंगलोर का सम्मेलन कैंसिल हो गया है। वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया है। शाम को 5 बजे जिम खाना ग्राउंड में उनका प्रोग्राम है। टेक केयर अबाउट सिक्योरिटी एस्पेक्ट। श्योर सर, आई लुक आफ्टर। आज शाम की सभा किसी भी हालत में होकर रहेगी। त्यासाठी लाखों संख्येने लोक आम्ही गोळा करू। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सब कुछ तो बिल्कुल सामने है सर। आचार्य जी के नाम से लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ऐसे में यहाँ कुछ हो गया तो माय गुडनेस। आज अक्टूबर 2nd है। तो क्या हुआ सर? वो 2nd अक्टूबर यही है। नाना भाई के टारगेट की डेट भी यही है। ब्लास्ट वही होगा। Come on out!
मुझे टेंशन देने वाला पहला पुलिस वाला तू ही है। मर गया साला। या बॉडी से पांचों बुलेट निकाल दी गई हैं। हमारे हाथ में जो था वो हमने कर दिया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। जल्दी ठीक हो जाएंगे। छोटे, गुड न्यूज, नाना भाई आ गए हैं। तुम्हारे बारे में मैंने बात कर ली है, तुम्हें जल्दी ही मिला दूंगा। मैं भी नाना भाई का ही इंतजार कर रहा हूं। राजा, नाना भाई ने माजी का किडनैप करवा लिया है। शिवाजी, ये कौन है? हमें अब तक जो टेंशन देता रहा, ये उस शैडो की माँ है। बेचारा मेरा पार्टनर सीपी, इस ब्लास्ट के पीछे बहुत पैसा बर्बाद किया। सीपी यानी आमचा मानसाना मारनारा तो शैडो आता आए कुठे? कहीं भी हो, इस बढ़िया के लिए जरूर आएगा। ना भाई, अब कुछ ही घंटों में ब्लास्ट हो जाना चाहिए, चारों ओर लाशें। माझा स्वप्न पूरा होऊन जाईल। सैंपल देखो शिवाजी। ये तो 10 ग्राम का सिर्फ सैंपल था, अब होगा 1 किलो का ब्लास्ट। संभालू? संभाल के पकड़ो। वैन में रखे सामान के बीचों बीच आरडीएक्स का बैग रखा जाएगा और वैन को स्टेज के पास खड़ा करना है। 1 किलोमीटर की दूरी से रिमोट दबाते ही बूम। ऐसा ही करूंगा, वो आचार्य जी के मरने के बाद पूरी सिंपथी मुझे मिलेगी। फिर ये शिवाजी कहां से कहां पहुंचता है देखो। एमएलए, एमपी, नहीं उससे भी आगे पॉलिटिकल पावर पाइजे। इस देश का मुझे किंग मेकर बनना है। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। हा? मेरा बेटा ऐसा होने नहीं देगा। भाई, यही है वो शेर, पुलिस वालों को मारकर मेरी जिंदगी बचाने वाला वो शेर, यही है। गुरु ने तुम्हारे कारनामे बताए, मेरे साथ आ जाओ, लेकिन काम ईमानदारी से। ईमानदार चाहिए तो कुत्ते का पिल्ला पाल लो, पर मैं शेर की औलाद हूँ, सिर्फ शिकार करना जानता हूँ। यह जो बोलने का आ गए आग, कहो तो अभी जलवा दिखाऊं। भाई, ये बहुत ही हिम्मत वाला है, उस शैडो को संभालने के लिए यही सही है। समझ लो कि शैडो मिल गया, क्योंकि उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। देने के लिए हमारा ये शेर काफी है नाना भाई। यही हो पागल डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट। माफिया डॉन कैसे होते हैं, इसे मैंने फिल्मों में ही देखा है।
ये बहन जी कौन है? शैडो की माँ है, जानता नहीं है क्या? शैडो की माँ है? अगर ये यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? खैर छोड़ो, उससे क्या लेने देना। शैडो को तुम जानते हो क्या? शैडो को लॉलीपॉप, स्वीट, चॉकलेट से सब बहुत पसंद है। फनी जैसा लगता है, मिस को किस करता रहता है। ए डॉक्टर, शैडो जब तक नहीं मिलता तुम हमारे पास ही रहोगे। उसके पोस्टमार्टम तक मैं यही रहूंगा। ए घोंचू, अगर शैडो तेरे सामने हो तो पहचान लेगा? मैं तुम कौन हो ये भी पहचान सकता हूँ। अच्छा, ये बात है क्या? लगता है ये उसका रिश्तेदार है। तूने देखा है ना शैडो को? तूने देखा है ना उसे? तू पहचान सकता है ना? टाइम वेस्ट मत कर डॉक्टर, चुप क्यों है? चल बता। खामोश क्यों हो गए? आगे बोलो। कैसे इंसान हो तुम? भेजे में बुद्धि है कि नहीं? हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देखता है। ये सूट, ये स्टाइल, ये बूट, नाना भाई, किसी काम का नहीं है। कभी भी मार देगा तुझे शैडो। डिस्चार्ज बैटरी। शैडो कहाँ है? जो दिखता है वो होता नहीं शैडो, जो होता है वो कभी दिखता नहीं शैडो। तुम्हारा शैडो नहीं है क्या? मेरा शैडो नहीं है क्या? इसका शैडो नहीं है क्या? मार देगा सबको शैडो, आके मार देगा, मार देगा, मार देगा, आके मार देगा। ये। चलो चलो चलो, अब सब कान खोल कर सुन लो। अपनी माँ को बचाने के लिए वो शैडो यहाँ जरूर आएगा। ये लो, उसे भून डालो जल्दी। देश को बेचने निकला था शैडो। ए, मेरे पीछे क्या आ रहे हो? नीचे जाओ, वहां संभालो। जल्दी 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 आओ, जल्दी दरवाजा बंद करो, जल्दी। शैडो आ गया क्या भाई? चुप्पे। बिजली चली गई या मैं ही बुझ गया? बिजली नहीं गई, वो आ गया। वो कौन? मालूम नहीं है क्या? शैडो, शैडो आ गया। शैडो तो हर जगह साथ रहता है, वो यहाँ भी हमारे साथ है। यहाँ? तुमने शैडो को देखा है? पहचान सकते हो? हमारे बीच में ही है शैडो, यही है। इस साइलेंस के बाद पता नहीं क्या वायलेंस होने वाला है। तो शैडो तुम ही हो? सामने साला, तो तू शैडो है क्या?
ये लो शैडो मिल गया। शैडो तेरा लड़का शैडो ऊपर पहुंच गया। ए, ये मरने वाला मेरा बेटा नहीं, तुझे मारने वाला ये मेरा बेटा है। तेरी माँ तेरी आंखों के सामने खड़ी है। तू है शैडो। मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पिता को मारा था, आज तेरे ही हाथों से मैंने तेरे भाई को मरवा दिया। मुझे माफ कर दे, छोड़ दे मुझे। माफ कैसे कर दो, इतने साल मैंने इंतजार किया है तेरी छाती में छुरा घोंपने के लिए।